दीवान थी जो बना दई बचिवारी ओ रानी रो बची गुणवान थी जो बना दई बचिवारी ओ रानी रूप मती गुणवान थी जो बना दई बचिवारी ओ रानी रूप बची गुणवान थी जो बना दई बचिवारी ओ जो बना दई बचिवारी ओ जो बना दई बचिवारी जो बना दई बचिवारी रानी आइए देखो धीरे धीरे कलाकार का कलाकारी बारी नंबर आएगा जी, क्योंकि रात अभी बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब दो घंटा तक गवाएंगे। कलाकार का कलाकार के हिसाब से नंबर आएगा, एक एक घंटे की हाजिरी सभी की होती है। आइए, और क्या बताया, पांच हाथ मेहंदी के थापे, पांच हाथ मेहंदी के थापे। जब भी हम कहीं किसी देवता की जात लगाने के लिए जाते हैं तो भगत लोग हमारे पांच थापे लगाते हैं, मेहंदी के लगाते नहीं लगाते, और फिर क्या बताते हैं, पांच हाथ मेहंदी के थापे, पांच हाथ मेहंदी के थापे, मैया पे तो पीछे जाते, मैया जी के पीछे जाते, मैया पे तो पीछे जाते, मैया ने तो पीछे जाते, दर्शन देती दुर्गे आके। झांकी बड़ी महान थी जो बना दई बचिवारी ओ रानी रूप बची गुणवान थी जो बना दई रहो। भैया भगवती मैया कहती है रूपमती से जो पथवारी माता बनाई थी, बेटी वाली उम्र है तेरी, बेटी वाली उम्र है तेरी, रूप चंद था धूल की ढेरी, बेटी वाली उम्र है तेरी, बेटी वाली उम्र है तेरी। जब रूपमती कहने लगी कि मेरे स्वामी के बगैर मेरा कौन है, मैया तू मुझे भी पत्थर का बना दे, तो मैया पहले कहती कि बेटी तुझे मैं पत्थर का बना दूं, तूने कोई गलती नहीं करी, तो मैया इस बात के ऊपर कहती है कि बेटी तेरी अभी बाली उम्र है, बेटी बाली उम्र है तेरी, बेटी बाली उम्र है तेरी, रूप चंद था धूल की ढेरी, रूप चंद था धूल की ढेरी, पहले पूजा होगी तेरी, पथवारी माता।
माता का मंदिर बनाया गया। उस दिन से गांव-गांव और शहर-शहर में पथवारी माता पूजी जाते हैं। भैया हमें कोई शौक नहीं है बीच बीच में चांग अड़ाने का। जागरण का मतलब क्या होता है? किसी को एक दूसरे के प्रति जागरूक करना, किसी बात के प्रति किसी को नहीं पता उसका मतलब जागरण होता है। ये नहीं कि नाच कूद के हाथ दो ठुमका यहाँ लगा लिए, बीवी बड़ा चोर को जागरण हो खुश है कार्य थे नाचे बस नाचने की ध्यान ही जाना बताई की कहीं ना कच बताई भी। अब कम से कम जिंदगी भर तो मैं ये बात याद रहेगी कि रानी रूपमती जो राजा रूपचंद की घरवाली थी वो पथवारी मैया है जो पूजी जाती है। जाति से प्रजापत थी, आज आपको बता दी है, आज के बाद कोई नहीं भूलेगा। और चौथी बात में इतनी सुंदर बात लिखी उस कली में मास्टर जी, फिर से भाई भी आ जाओ पहले को इतना गुमान हो गया कि बिगड़ तेल और पानी के ज्योति जल रही है और इस माता ने इसमें शक्ति बताता है। भगत मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार ये ज्योति नहीं बुझती है। तो उस ज्योति को बुझाने के लिए अपने उनसे सैनिकों से कहा कि दूर से जल भर के लाओ। और चौथी बात के माध्यम से इतनी सुंदर बात बताई ज्वाला मैया की, क्या बता दिया? अकबर ने तेरी लई परीक्षा खुद नहर डलवाई री। अकबर ने तेरी लई परीक्षा खुद नहर डलवाई। चलती ज्वाला जग में कला सभाई री। बुझी नहीं तेरी जलती ज्वाला जग में कला सभाई री। बुझी नहीं तेरी जलती ज्वाला जग में कला सभाई री। बुझी नहीं तेरी जलती ज्वाला जग में कला सभाई री। तेरी साथ तैन से ओ मैया साथ तैन से तेरी मैया साथ तैन से तेरी ज्योति चली आ भैया से के चढ़ के बोला की लागी रे भवानी तो से ढोरे चली आ भैया से के। और राजा अकबर ने जब पानी से भी ज्योति नहीं बुझती तो अपने सैनिकों से कहा कि जाओ बड़े बड़े तये लेकर आओ। तो सात तये मंगवाए जिसमें एक तये का भार था सवा मन यानी 50 किलो और वो तय माता ज्वाला रानी की ज्योति पर ढकवा दिए। माता रानी उनको भी फोड़ कर बाहर निकल जाती है। बोलिए ज्वाला मैया की जय। कोई कोई गया है ज्वाला मैया, देखा है ज्वाला मैया के दर्शन किए किसी ने? बगैर तेल और बाती के ज्योति जलती है। सीधे हाथ खड़े करें, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ खड़े करें और बोले की अरे तुम भी उठा ले, उठा ले, कोई ना खेत रो उठा ले, लाली उठा ले ऐसे। हाँ अब थोड़ी देर बोल रही तुम बोलो चली आ मैया से चढ़ के चली आ मैया से चढ़ के चली आ मैया से चढ़ के चली आ चली आ चली आइए 101 रुपए स्वर्गीय ताऊ चंदन जी के नाम से आए हैं ज्वाला मैया के इस भजन पे। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए एक भजन और उसके बाद में हमारी सुंदर सी लेडीज कलाकार आपके बीच में। हाँ।